जब आगे बढ़ाने आ रहा हूँ, सर का शेड्यूल थोड़ा सा हेक्टिक होने के कारण के बस समय कहीं ना कहीं थोड़ा मिस हो रहा है। एमबी वैसे ही चल रही है आप लोगों की, तो ये चीज़ मिस हो रही थी और एग्जाम्स नज़दीक हैं, तो हम चाह रहे हैं कि कंटेंट जो है कहीं ना कहीं रुका हुआ था वो आगे बढ़े। इससे पर मत रखिएगा कि आपके सामने कौन है कैमरे पे, आपका मतलब उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपको जो कंटेंट मिले उससे आपका जो आपको जरूरी चीज़ है वो आप तक जाए। ठीक है, तो चार सेशन हम लोग भी हुए थे डेली वो कैब के द हिंदू वर्ल्ड के। ठीक है, आज सॉरी हाँ चार सेशन हुए थे, आज एक पांचवा सेशन है आपका। ठीक है, आठ वर्ड्स जो सिनोनिम एंटोनिम्स एक्सप्लेनेशन मिलेंगे आप लोगों को, उसके बाद करीब चार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और तीन एडियम्स पर डे सेशन में इतना मटेरियल आपके पास रहे। तो ठीक है, आज हम अपनी वीडियो आगे बढ़ाए। पहला वर्ड आता लॉरेल, पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन वाले सेक्शन में आता है, यहाँ पे लिखा है नाउन। हिंदी होती सम्मान ख्याल, आगे इसके इसका एक्सप्लेनेशन आगे देखेंगे हम। ऑनर और फेम, वो सम्मान या वो प्रसिद्धि। गिवन फॉर सम अचीवमेंट, जो आपको प्राप्त होती है किस चीज के लिए, फॉर सम अचीवमेंट, आपकी किसी न किसी उपलब्धि के लिए। ठीक है, सिनोनिम्स इसके देखेंगे हम, ऑनर सम्मान या ख्याति। एकोलेट, जो हिंदी में हम ये निकाल सकते हैं सम्मान या ख्याति से, बट अगर शुद्ध रूप में इस शब्द के बारे में जाने तो फॉरेन वगैरह में जो अगर आपके पास आपने कोई उपलब्धि अचीव की है तो उसके लिए एक तरीके का सम्मान, कहीं पार्टी वगैरह में है आप तो शोल्डर के स्पर्श से जो आपको सम्मान दिया जाता है कि हाँ आप उस लायक हैं, गले मिलना, आलिंगन करना है हिंदी आप समझ सकते हैं, उस चीज के लिए एकोलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और प्रेस तो नॉर्मल वर्ड हम जानते हैं कि ये तीनों यहाँ पे नाउन के फॉर्म में दिखाए गए। आगे आपके एंटोनिम से ब्लेम, आरोप, डिसअप्रूवल। एग्जैक्ट सिनोनिम एंटोनिम आपको देखिए किसी वर्ड के नहीं मिल पाएंगे, कहीं कहीं उस सेंस पे ही दिए गए होते हैं। डिसअप्रूवल मतलब किसी चीज को नकार देना, असहमति जता देना, बट यहाँ पे तिरस्कार के रूप में डिसअप्रूवल का इस्तेमाल किया गया। यूजर्स हैं आपके, पहला यूज है अ सोल्जर वन इज लॉरेल्स इन द बैटल फील्ड, वहां पे ध्यान दीजिएगा बैटल फील्ड लिखा है मतलब युद्ध के मैदान में। अ सोल्जर एक सैनिक, वन इज लॉरेल्स अपने सारी उपलब्धि अपने सारे सम्मान कहाँ पाता है या उसने उस सोल्जर ने कहाँ पाया, इन द बैटल फील्ड युद्ध के मैदान में। वापस इंग्लिश देखते हैं, अ सोल्जर वन इज लॉरेल्स इन द बैटल फील्ड, उस सैनिक ने अपने सारे सम्मान सारी ख्याति युद्ध के मैदान में, कैसे अच्छे से लड़के अपनी वीरता शुद्ध वीरता दिखा करके। नेक्स्ट है दूसरा एग्जांपल, द प्लेयर अर्न हिज लॉरल्स फ्रॉम इयर्स ऑफ हार्ड वर्क। द प्लेयर, वो जो खिलाड़ी था, अर्न हिज लॉरल्स, उसने अपने सारा सम्मान सारी ख्यातियां प्राप्त की फ्रॉम इयर्स ऑफ हार्ड वर्क, अपने वर्षों के कठिन परिश्रम के साथ। ठीक है, तो ये आपका पहला वर्ड था। इतना वर्ड आपके सामने है रिप्रोच, पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन सेक्शन में आता है, हिंदी आपके सामने नजर आ रही है यहां पे, तिरस्कार और अपमान। इंग्लिश मीनिंग है अ कॉज और ओकेजन ऑफ ब्लेम, ऐसी अवस्था जहां पर आपको अपमान या तिरस्कार का सामना करना पड़े। ठीक है, उसे हम रिप्रोच कहते हैं। सिनोनिम्स हैं आपके सामने डिसग्रेस, अपमान या निंदा आपकी, डिसक्रेडिट निंदा, ब्लेम आरोप किसी भी तरीके का, और सेंसर, सेंसर मतलब निंदा, वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं सेंसर, निंदा करना। इस वर्ड पे फोकस करिएगा जरा आप लोग, ये सेंसर जो यहाँ पे यू आर ई लिखा है यही अगर चेंज होके बस ओ आर हो जाए, CENSOR, इसकी हिंदी हो जाएगी यहाँ पे नियंत्रक। और ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, आप लोगों ने सुना होगा सेंसर बोर्ड, ठीक है, ध्यान आया कुछ, सेंसर बोर्ड जो फिल्म वगैरह के लिए बोर्ड बनाई गई है, सेंसर बोर्ड जो उसमें गलत सीन वगैरह को कट करता है। ठीक है, आगे आते हैं एंटोनिम्स देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट, इस वर्ड में भी एक आपको परेशान करने वाले शब्द नजर आएंगे, सेंसर यू आर ई और ओ आर, ठीक है, कंफ्यूजिंग होते हैं हमेशा। अरे कॉम्प्लीमेंट, अरे क्या करिए आप लोग पढ़ते हैं ग्रामर में, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, अंतर केवल आई और ई का पड़ता है। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा और ये ई वाला कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करे, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के अर्थ को कंप्लीट करे। ठीक है, तो फिलहाल हमें यहाँ देखना आई को समझना है, कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा, प्रेज मतलब प्रशंसा, क्रेडिट मतलब आपकी आपका सम्मान उस जगह पे, वहाँ पे आपका कितना आपकी क्रेडिट वहाँ पे मार्केट में कहते हैं ना, उसकी क्रेडिट बहुत ज्यादा है, मतलब उसके बिना भरोसा है लोगों, ट्रस्ट है, ट्रस्ट को ले लो। ऑनर मतलब सम्मान, पिछले वर्ड पढ़ा था आपने इसको। यूजर देख लीजिए, शी लुक्ड एट हिम विद रिप्रोच, उस लड़की ने उसकी तरफ अपमान की, घृणा की भावना से देखा, ठीक है, तिरस्कार की भावना से देखा। अगला आपके सामने आपका वाक्य है, हिज कंडक्ट हैज ब्रॉट शेम एंड रिप्रोच टू हिज फैमिली, उसके व्यवहार से उसकी जो फैमिली थी वो शर्मिंदा और अपमानित महसूस कर रही थी। ठीक है,
मतलब उसने ऐसा व्यवहार किया सबके सामने कि उन्हें शर्मिंदगी और अपमान की भावना का। तीसरा वर्ड है आपके सामने सुपर वेन, पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ब सेक्शन में आता है ये। हिंदी आपके सामने दिख रही है बीच में आ पड़ना, जैसे कि हिंदी हम लोग जानते हैं सुपर वेन, इंटरफेयर, इंटरवेन या फिर इंटरप्ट वगैरह, हिंदी होती है हस्तक्षेप करना बीच में, सबके अलग अलग यूजेस है। उन इन चारों शब्दों में सुपर वेन सबसे अलग है। अर्थ क्या निकलता है कि कोई कार्य आपका चल रहा है और बीच में कोई अन्य कार्य आ गया और वो अब जो पहले से कार चला था वो रुक करके अब ये कार चलने लगा, तो ये सुपर वेन कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग है आपके सामने टू हैपन अनएक्सपेक्टेडली, मतलब अनचाहे रूप में कोई कार्य घटित हो इन अ वे, इस तरीके से दैट इंटरप्ट्स, जो कि बाधा उत्पन्न करे, और चेंजेस इन एग्जिस्टिंग सिचुएशन, और जो आपकी स्थिति चली आ रही थी अब तक उसे वो बदल दे, तो वो क्या कहलाता है सुपर वेन। सुनने के लिए डिस्प्लेस, रिप्लेस, जगह ले लेना, किसी की स्थान ले लेना, ग्रहण कर लेना। एंडरलाइन आपके सामने प्रीसीड, पूर्व में होना, रिट्रीट, एक होता है ना मैदान छोड़कर भाग जाना, ये मैं समर्पण कर देना, तो रिट्रीट मतलब पीछे हो जाना किसी के। एंटी डेट मतलब प्रचलन से बाहर होना, पुराना होना काफी, इसका मतलब क्या आपके पीछे होना। और प्री डेट कोई तिथि वगैरह हो उसके पहले की तिथि कह डाल देना, उसको प्री डेट कहते हैं। तो शब्दा अर्थ कहेंगे हम देखेंगे कि पीछे के सेंस में निकलेगा। ठीक है, मतलब एक तरीके से आप समझेंगे पीछे आना है फॉलो करने के सेंस में निकलेगा। कोई कार्य चल रहा था बट बीच में आपने अपना कार्य लाया और आगे घटित होने लगा, वो क्या कह रहा था सुपर वेन। यूजेस है आपके सामने, इट वाज नॉट अ स्लो स्प्रेडिंग कैंसर, ये वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ कैंसर नहीं था, दैट कॉज्ड हिज डेथ, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई, वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ कैंसर नहीं था जिसने उसकी मृत्यु को लाया, बट अ सुपर वेनिंग हार्ट अटैक, बल्कि बीच में जो उसे हार्ट अटैक आ गया वो उसकी मृत्यु का असली कारण था। उल्टा करके हम सेंटेंस को पढ़ते हैं कि वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ कैंसर नहीं था बल्कि उसका बीच में आ पड़ा हार्ट अटैक था जिसने उसकी मृत्यु को। यूज देखेंगे हम उसका, इट वॉज नॉट द स्लो स्प्रेडिंग कैंसर, ये वो उसका धीरे धीरे बढ़ता हुआ कैंसर नहीं था, दैट कॉज्ड हिज डेथ, जिससे उसकी मृत्यु हुई या फिर जिसने उसकी मृत्यु को लाया, बट अ सुपर वेनिंग हार्ट अटैक, बल्कि क्या था उसका बीच में आ पड़ा हार्ट अटैक था जिससे कि उसकी। चौथा वर्ड देखें आपके सामने पिवोटल, ये एक एडजेक्टिव है, हिंदी है महत्वपूर्ण, लेकिन थोड़ा सा बृहद सोचेंगे, सोच का दायरा बढ़ाएंगे अपना, ये पिवोटल वो महत्वपूर्ण नहीं है इंपॉर्टेंट टाइप का। पिवोटल मतलब कि नाजुक किस्म का कह सकते हैं आप, मतलब ऐसी स्थिति जो नाजुक हो जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही होगी। क्रिटिकल शब्द से आप समझ गए, क्रिटिकल शब्द किस लिए हमें यूज किया जाता है, मतलब बहुत ही ऐसी स्थिति हो जाना, क्रिटिकल पोजिशन में आ जाना जहाँ पे आपको समझ में आए कि क्या करना है, बहुत लेकिन इंपॉर्टेंट डिसीजन वहाँ लेने होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होगी। सामने में वाइटल, एक हिंदी आप समझ रहे घातक के संदर्भ में, घातक मतलब क्या ऐसी स्थिति जहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी हैपन। ठीक है, क्रूशियल, क्रिटिकल, आपको पता है क्रूशियल मतलब नाजुक क्षण, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्षण। ठीक है, अनइंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट ना हो, अमहत्वपूर्ण। ठीक है, इनसिग्निफिकेंट महत्वहीन हो, ट्रिवियल मतलब कि ट्रिवियल की शुद्ध हिंदी भी तुच्छ, तुच्छ मतलब जिसकी कोई भी वैल्यू ना। ठीक है, यूजर्स हमारे सामने सेंटेंस आप देख सकते हैं, शी इज एट अ पिवोटल पॉइंट इन हर करियर, वो अपने करियर के उस बिंदु पर है जहां पर कुछ भी हो सकता है सर, मतलब अपने करियर में नाजुक क्षण पे है, मतलब इंपॉर्टेंट स्टेज पे है। नाइस कस्टमर सर्विस, इस पिवोटल टुवर्ड्स सक्सेसफुल बिजनेस, नाइस कस्टमर सर्विस, जो अपने कस्टमर्स को अच्छी डील करना ही इस पिवोटल टुवर्ड्स सक्सेसफुल बिजनेस, एक सफल बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्या अपने कस्टमर्स को अच्छी तरीके से। पांचवा वर्ड आपके सामने एक्सॉर्बिटेंट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के एडजेक्टिव सेक्शन में आता है, हिंदी इसकी है अत्यधिक, इंग्लिश मीनिंग पे हम आते हैं गोइंग फार बियॉन्ड व्हाट इज फेयर, मतलब कि जो कि उचित है, जो सही, उससे कहीं ज्यादा आगे निकल जाना, और रीजनेबल या फिर जो तार्किक, मतलब तार्किक या उचित से भी बहुत ज्यादा अधिक जो है उसे हम क्या कहते हैं एक्सॉर्बिटेंट, मतलब आवश्यकता से अधिक, अत्यधिक। ठीक, सुनने आपके सामने एक्सेसिव, जिसकी मात्रा बहुत अधिक हो जाता है, एक्सेसिव कहते हैं। इमॉडरेट, मॉडरेट मतलब संयमी, जितने की आवश्यकता होती है बट इमॉडरेट मतलब कि उससे अधिक, संयम से भी अधिक असंयमी कह सकते हैं आप। इनऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब जो चीज तालमेल में हो, बैलेंस्ड हो कहीं पे, इक्वलाइज फॉर्मेट में हो। ठीक है, बट इनऑर्डिनेट मतलब आवश्यकता से अधिक, ज्यादा हो जाना, बैलेंस कहीं गड़बड़ा जाना, अधिक हो जाना। ठीक है, एंडरेंस आपके सामने मॉडरेट वर्ड संयमी, मैंने बताया जितने की आवश्यकता उतना ही, रीजनेबल जो कि तार्किक हो, उचित करना। यूजेस में आप देख लीजिए, कॉस्ट ऑफ अवर स्टे, हमारे जो वहां रुकने की कीमत थी
वॉज वेरी एग्जॉर्बिटेंट, वो क्या थी, बहुत ही अधिक आवश्यकता से अधिक थी, मतलब वहां पर हमारा रुकना हमारे लिए खर्चीला साबित हुआ बहुत। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने पांचवा डूम्ड, ये पार्ट ऑफ स्पीच के एडिटिव सेक्शन में आता है, हिंदी में इसके अभिशब्द वेरी बैड मेंट सिचुएशंस दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड टिल इफेक्टेड, ठीक है, मतलब कई ऐसी घटनाएं या फिर आपकी ऐसी परिस्थितियां जो कि बहुत ही बुरी हो दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, और जिन्हें आप टाल नहीं सकते, जो टाल नहीं जा सकते, और वो व्यक्ति भी क्या कहलाएगा इफेक्टेड, मतलब कि बुरे नसीब वाला, खराब नसीब वाला अभिशब्द। इसे एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि आप भी जानते हैं चांद में दाग है, तो क्यों है, जब उन्हें शाप दिया गया था कि उनकी पूरी पूरी रोशनी चली जाएगी, मतलब व्हाट कि वो पूरी तरह से काले हो गए थे, तो बाद में उसे जो कम किया गया, क्यों, क्योंकि वो खत्म तो नहीं हो सकती थी, कैन नॉट बी अवॉइडेड, उसे काला नहीं हो सकता लेकिन कम किया जा सकता, तो इसके आगे कुछ दाग है, ठीक है। तो फिर आगे हम थर्ड पार्ट करते हैं सिनोनिम्स पे, कर्स्ड मतलब कि अभिशब्द जो हो, डैमनेबल तिरस्कृत हो, कर्स्ड जिसे शापित किया गया हो, जो शापित, मतलब किसी की याद में हम ये हर प्रत्येक ये वो उत्सव मना रहा है, ठीक है। टू डू समथिंग स्पेशल, कुछ स्पेशल करना इन ऑर्डर टू रिमेंबर एंड ऑनर, किसी की याद में अक्सर उसके सम्मान में, ठीक। देखिए आप सल्यूट हिंदी होती है अभिवादन करना, अभिनंदन करना, लेकिन किसकी करेंगे, जिसका आप सम्मान करेंगे उसी का अभिवादन करेंगे, उसी को सल्यूट करेंगे। ऑनर सम्मान, आप जानते हैं सम्मान करना। मोनुमेंटलाइज और मेमोरियलाइज दोनों शब्द ध्यान दीजिएगा, आप लोग मोनुमेंट मेमोरियलाइज कर देना इसको, और मेमोरियल दोनों की हिंदी होती है स्मारक, ठीक है। स्मारक आप किसका बनवाएंगे, किसी के सम्मान में बनवाएंगे। इस शब्द को बस आई जेड ई दोनों ये ध्यान रखिएगा, आई जेड ई अमेरिकन में और ब्रिटिश में होगा तो आई एस ई हो जाएगा, ठीक है। लगा करके ये वर्ब सफिक्स इन्हें लगा कर हमने दोनों वर्ड को क्या बना दिया, वर्ब बना दिया, ठीक है। इनकी हिंदी होगी उनका स्मारक बना, उनका उनके सम्मान में स्मारक बनवाएंगे। आगे एंटर देख लीजिए डिसरिगार्ड और डिसऑनर मतलब उनका तिरस्कार। यूजर्स है आपके द विक्ट्री इज कम्युनिकेटेड इन सॉन्ग्स, जो उनकी विजय प्रसन्न उनको गीत गा करके उसका उत्सव मनाया, ठीक। अगला वाक्य है ईच ईयर हर साल ऑन दिस डेट इसी तारीख को वी कमेमोरेट आवर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स मतलब हिंदी की पूर्वज। ईच ईयर ऑन दिस डेट इस तारीख को प्रत्येक वर्ष वी कमेमोरेट आवर एंसेस्टर विद अ स्पेशल सेरेमनी, हम अपने पूर्वजों को याद करते स्पेशल तरीके की सेरेमनी वगैरह। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका बीवी, ये आपके वर्ब सेक्शन के अंदर आता है, जिसकी हिंदी होती है शोक मनाना, इस प्रकार दुख व्यक्त करना, विलाप करना, टू वेल ओवर, वेल मतलब विलाप करना होता है, टू वेल ओवर इस प्रकार अपने अपनी मतलब अंदर की दुख की भावना व्यक्त करना, ठीक है। सिनोनिम्स हम देखेंगे बी मोन, मोन मतलब कराहना, तो बी मोन मतलब कि जिस पर अपने अंदर के दुख को व्यक्त करना, कराहना, मोर मतलब खुदी होता है विलाप करना, डिप्लोर मतलब विलाप करना, एक अलग हिंदी होती है उसकी निंदा करना है, बट यहाँ पे विलाप करना इस सेंस में होगा। लैमेंट मतलब कि शोक मनाना, और ग्रीव जो वर्ड है आप ध्यान देंगे, याद करिए एक वर्ड आपको याद होगा दुख, याद है ग्रीव, ग्रीव मतलब क्या होता है दुख, उसी से मिलकर बना है ग्रीव, वर्ब फॉर्म में है वो मतलब विलाप करना, ठीक है। एंटोनिम्स यहाँ देखिए एग्जल्ट मतलब खुशियाँ मनाना, बहुत अधिक खुश होना, रिजॉइस मतलब खुश होना, बहुत ही डिलाइट मतलब जानते हैं खुशी, यूजर्स में देखिए आपके हैं मेनी पीपल बिलीव द चेंजेस टू द हिस्टोरिक बिल्डिंग, जो उस ऐतिहासिक बिल्डिंग के साथ परिवर्तन किए हैं उस उन परिवर्तनों पर कई लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, शोक मनाया, फिर विलाप किया, मतलब उन्हें पसंद नहीं आया होगा या फिर वो कुछ भी विपरीत रहे थे, इस वजह से उन्होंने उसमें क्या किया, शोक। तो हम लोग बढ़ते हैं वर्ड एसोसिएशन पर, मैंने बताया था आठ वर्ड्स आपके रहेंगे, आठ वर्ड्स मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को, अब चार आपका वर्ड एसोसिएशन हैं, इसके बाद तीन इडियट्स को ध्यान रखिएगा, ये चार वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि आपके दैनिक में पढ़ने में आए हुए हैं और पेपर में पढ़ने से इंपॉर्टेंट भी, ठीक है। तो पहला वर्ड हम देखते हैं जो नौवां वर्ड हमारे सामने ब्रीवरी, प्रोनंसिएशन बहुत ही ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ब्रीवरी, ठीक है। ब्रीवरी मतलब बहुत ही एडवांस शराब, ऐसी जगह जहाँ पर अच्छी शराब बनाई जाती है, ठीक है। प्लेस वेयर वाइन इज मेड, ऐसी जगह जहाँ पर शराब वगैरह बियर वगैरह बनाई जाती है उस जगह को ब्रीवरी कहते हैं, और उसके लिए यूजर्स देख लीजिए, अब आई हैव टू फ्रेंड्स, मेरे दो मित्र हैं, वन इन द ब्रेवरी, एक जो कि ब्रेवरी में है, नहीं मतलब कि एक जो है ब्रेवरी में काम करता है, और वन इन द बैंक, और जो अगला है वो बैंक में काम करता है, ठीक है।
यहाँ पे आपको देखो यार सेवन एटम्स वगैरह मैंने नहीं दिए हैं, रीजन है कि पावर सब्स्टेंस जनरली एक तरीके से नाम वगैरह से रिलेटेड होता है, तो इस वजह से उसके सिनोनिम वगैरह एटम वगैरह फाइंड करना बड़ी मुश्किल होता है, ठीक है। और आपको लाइन दी होगी उसके हिसाब से आपको अपने वर्ड लेने, तो मैंने आपको लाइन भी आपको बता दी और उसके इंटीरियर उसके यूजर भी, इतना काफी है एक पावर सब्स्टेंस के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अगला हमारे पास है दसवां वर्ड सर्वेंट, प्रोनंसिएशन लास्ट का आर मैंने दबता है सर्वेंट, हिंदी में स्मारिक वही जो आपका मॉन्यूमेंट और मेमोरियल वगैरह था पिछले से आपने पढ़ा है, तो उसी से रिलेटेड उसी से मिलता होता है कि उसे एक यादगार स्मारक के रूप में जाना जाता है, समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, किसी घटना के बार बार याद आने की बार बार याद आए इस तरीके से कुछ चीजें रखते हैं उसे क्या कहते हैं सॉवरेन, समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट। नेक्स्ट हम इसकी यूजेज देख लेंगे, द रिकॉर्डिंग प्रोवाइड्स अ सॉवरेन ऑफ अ ग्रेट प्रोडक्शन, जो रिकॉर्डिंग है प्रोवाइड्स अ सोवेनियर ऑफ अ ग्रेट प्रोडक्शन, उस महान उत्पत्ति की एक यादगार लम्हे की तरह हमारे सामने प्रस्तुत होती है, या वो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड्स वो रिकॉर्डिंग जो है प्रस्तुत करती है क्या आपका सोवेनियर का स्मारक प्रस्तुत करती है किस चीज का, उसका ग्रेट प्रोडक्शन उस महान उत्पत्ति का उस महान प्रोडक्शन हाउस का। अगला वर्ड है आपके सामने वनवर्ड सब्स्टिट्यूशन का रिक्टर, रिक्टर आपने जल्दी सुना होगा जब अर्थक्वेक वगैरह आता है तो यही बोला कि रिक्टर स्केल पे ही पैमाना मापा गया, तो अर्थक्वेक वगैरह को मापने की जो इकाई होती है उसे हम रिक्टर कहते हैं, वो स्केल होती है रिक्टर स्केल पे मापा जाता है, ठीक है। हिंदी आप देखो रिक्टर पैमाना वो स्टैंडर्ड जिस स्टैंडर्ड पे हम उसकी स्पीड को या उसकी कंपन को मापते हैं, ठीक है। स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग, वो स्केल जिसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेजरिंग उसका मेजरमेंट लेने के लिए, द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक उस वो जो भूकंप आया था उसकी ताकत उसके कंपन को मापने के लिए उसने उसका मेजर लेने के लिए जिस स्केल का इस्तेमाल किया था उसे रिक्टर कहा जाता है, ठीक। यूजेज है आपके अर्थक्वेक इन मेक्सिको सिटी, जब मेक्सिको सिटी में अर्थक्वेक था रजिस्टर्ड 7.1 ऑन द रिक्टर स्केल, उसे मापा गया 7.1 का रिक्टर स्केल पर, मतलब कि रिक्टर स्केल पर 7.1 मापा गया अर्थक्वेक जो मेक्सिको सिटी में आया हुआ अर्थक्वेक था उसे, ठीक। अगला शब्द बारह आपके सामने मैक्सिम, कहावतें वगैरह जो पुरानी कहावतें हमारे सामने होती है उन्हें हम मैक्सिम कहते हैं, ठीक है। जैसे लिखिए आपके यहाँ पे कहावत, एन एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल, एक एस्टैब्लिश्ड स्थापित किया हुआ सिद्धांत ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, अपने प्रैक्टिकल बुद्धि से सोच के आधार पर अपने प्रैक्टिकल वैल्यूज के ऊपर जो हम जीवन जीते हैं उन आधारों पर उस अपने अनुभव के आधार पर जिन कहावतों को हमारे पूर्वजों ने निर्धारित किया था उन्हें आज हम कहावतें कहते हैं मैक्सिम, जिसमें यूजेस है वे मस्ट नो द मैक्सिम, हमें ये कहावत अवश्य जाननी चाहिए लगातार जाननी चाहिए, दैट की एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कथनी से बेहतर करनी होती है वही लिखा है एक्शन स्पीक्स लाउडर, हमारे कार्य आते हैं वो अधिक तेज बोलते हैं किसकी अपेक्षा देन वर्ड्स हमारे शब्द। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम अपने वीडियो के लास्ट स्टेज में हैं, हमने 8 वर्ड्स पढ़ लिए हैं 4 वर्ड्स पढ़ लिए हैं, लास्ट के 3 आपके सामने नजर आ रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चीजें यही तीन होती हैं, यही में से आगे घुमा के आते हैं, फ्रेजल वर्ब सिचुएशन वगैरह भी इंपॉर्टेंट होते हैं तो उनकी वीडियोस आपको अलग से मिल जाएगी, फिलहाल हम अपने सेक्शन में भी वर्ड पावर वाले रहे तो कैप के तो हम फिलहाल यही फोकस करेंगे, ठीक है। तो पहला ये 13वां नंबर देखते हैं, थैंक यू आपने जमीन पढ़ा होगा ग्रेड 12 स्टैंडर्ड पे आता है ये फिलहाल स्पेशली ये 12 स्टैंडर्ड का वर्ड है, थैंक यू इसकी हिंदी अर्थ मित्र रिश्तेदार है सभी संबंध मतलब कुछ अपना, ठीक है। पीपल यू आर कनेक्टेड विद वो लोग जिनसे आप जुड़े हुए हैं ब्लड रिलेटिव्स आपके जैसे खून के रिश्ते हैं वो रिश्तेदार तो कितने कह सकते हैं, ठीक है। देखिए दे विल नेवर डिसीव मी वो मुझे कभी धोखा नहीं देंगे, डिसीव मतलब धोखा देना, दे विल नेवर डिसीव मी वो मुझे कभी धोखा नहीं देंगे बिकॉज क्योंकि दे आर कितने क्योंकि वो क्या है रिश्तेदार वगैरह सगे संबंध, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब तिनका होता है, मैन ऑफ स्ट्रॉ तिनके का हाथ है मतलब क्या महत्वहीन व्यक्ति जिसका कोई भी अर्थ ना हो कोई भी कीमत ना हो, ठीक है। अ वीक पर्सन वर्थलेस पर्सन, अ वीक पर्सन एक कमजोर व्यक्ति, वर्थलेस पर्सन मतलब जिसकी कोई भी कीमत ना हो एकदम इनवैल्यूएबल पर्सन हो उसको हम मैन ऑफ स्ट्रॉ कहते हैं, ठीक है। यूजर्स में देखिए डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम हिम, उससे कुछ भी मूल्यवान चीज की आप आशा मत रखिए, एक्सपेक्ट मतलब आशा करना, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम हिम उससे किसी चीज की आप आशा मत रखिए, ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ वो क्या है तिनके जैसा है तिनके भर का व्यक्ति मतलब महत्वहीन व्यक्ति उसके पास कुछ भी नहीं है ऐसा कि वो आपको आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि इसके आगे भी और वीडियोस है और वहां पे भी आपको ऐसे ही 15-15 एक सेट मिलते जाएंगे और काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स का सेक्शन है, पूरे करीब करीब 60 ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगे आगे आने वाले सेशन में, ठीक है।
मतलब 60 साइड्स ऐसे होंगे 15-15 वर्ड्स के इसी क्रम में, इतने ही डिटेल में, इससे और भी ज्यादा डिटेल हो सकती है, वहां पे कमी है। ठीक, लास्ट देखिए, प्ले वंस ओन ट्रम्प कार्ड, मतलब सबसे बेहतर का प्रयोग करना। आपने सुना तुरुप का इक्का साबित होना, अपने तुरुप की इक्के का इस्तेमाल करना, ठीक है, उसे कहते हैं प्ले वंस ओन ट्रम्प कार्ड। ठीक है, अ रिसोर्स यूज्ड टू गेन एन एडवांटेज ओवर अदर्स, ऐसा ऐसा संसाधन हमारे पास होना जिसका हम इस्तेमाल करते हैं दूसरों पर उसका फायदा उठाने के लिए। ठीक है, यूजेस आई वोंट प्ले माय ट्रम्प कार्ड until I have tried everything else, until आप जानते हैं जब तक डॉलर तब तक, एक सबॉर्डिनेटिव कंजंक्शन के अंदर आती है ये, तो इसकी हिंदी निकल जाएगी I won't play my trump card until I have tried everything else, मैं अपने trump card अर्थात मैं सबसे बेहतर का प्रयोग तब तक नहीं करूंगा जब तक कि I have tried everything else, जब तक कि मैंने अपने सारे संसाधनों का प्रयोग न कर लिया हो, मतलब कि अपने सारे संसाधनों का प्रयोग करने के बाद ही मैं अपने उस ट्रंप कार्ड का प्रयोग करूंगा। मोल यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, विल नॉट का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये विल नॉट अ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ऐसे शैल नॉट होता है यहाँ पे, तो शैल नॉट होता है, SHAN फिर अपोस्ट्रोफी उसके बाद टी होता है। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी ये वीडियो यहाँ पे खत्म कर ली, सारे जो कंटेंट दे रहे थे आज के वीडियो में मैंने सारे आपको दे दिए हैं। जो भी फीडबैक आपका होगा वो हमें प्लीज प्रोवाइड करें, क्योंकि मेरी पहली वीडियो थी और ये एक्सपेरिमेंट होगा कि क्या मैं इस सीरीज को आप तक उस तरीके से पहुंचा पाऊंगा जैसे कि सर आपको दे पाते, उतना तो नहीं होगा, लेकिन हाँ जितने से आपका काम चल जाए, आपकी कुछ ना से बेहतर कुछ तो मिले, ये चीज पूरी हो जाए, तो मुझे प्लीज आप बताइएगा क्या कमी आ जाएगी वीडियो में, वो स्पेशली शेयर करेगा हमसे, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब वगैरह तो आप लोग हर वीडियो में जानते हैं, यूट्यूब आप लोग यूट्यूब वीडियो देखते हैं, सभी लोग कहते हैं, ऐसे मैं भी कहूँगा कि शेयर करें ज्यादा ज्यादा, क्योंकि एग्जाम्स नजदीक है आप लोगों के, तो ये वर्ड सारे बहुत ही वैल्यूएबल आपके साबित होंगे आगे और अच्छे से।